नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजीव आर वैरव। आज हम बात करेंगे सूरज पर उठने वाले तूफान और उसका हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। जी हाँ, हर 12 साल में सूरज पर एक तूफान उठता है जिसका हर एक जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर, समुद्र, इन सब पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पिछला जो तूफान था सूरज पर जो उठा था वो 2012 में उठा था और अगला 2024 में उठने वाला है। 2012 के तूफान का ज़्यादा असर हमारी धरती पे इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि कुछ हफ्ते पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले वो उसके पास से ही निकल गया। आपने सुना ही होगा 2012 काफ़ी फेमस रहा साल क्योंकि बहुत पहले से ऐसी बातें आ रही थी सामने कि 2012 में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब एक साल बाद वही इवेंट फिर से शुरू होने वाला है तो इसका इस बार क्या असर होगा? अगर ये तूफान जब भी 12 साल में उठते हैं इसका पेड़ पौधे पे भी असर होता है। साइंटिस्ट इसको अगर पेड़ को काट के उसके जो छल्ले होते हैं जिसके अनुसार लाइफ तय की जाती है पेड़ की, तो हर 12 साल में उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलता है। इंसान के लाइफ में भी हर 12 साल में अगर कोई किसी का समय खराब चल रहा है तो ये 99.9% इतना तय है कि 12 साल के बाद एक मौके उसके जीवन में जरूर आते हैं और ये 12 साल जो 24 है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सूरज की सतह पे जो तीन जगहों पे छेद हुए हैं जहाँ से ये तूफान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो निकलेंगे और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेंगे। बहुत हद तक इनके जो बुरे इम्पैक्ट होते हैं वो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड हैं पृथ्वी के वो रोक लेते हैं, नहीं तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्ट्रॉय हो गया, अगर इसकी ताकत इतनी ज़्यादा हुई इस तूफान की तो यहाँ से जीवन हो सकता है कि समाप्त हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि कभी मंगल पर भी पृथ्वी की तरह मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता था और वहाँ भी जीवन था, लेकिन इसी तरह के एक तूफान से वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया और उसके बाद पूरी तबाह हो गई, वीरान हो गया मंगल ग्रह। तो ऐसा कुछ यहाँ ना हो, हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। और रही बात इसके इम्पैक्ट जो सैटेलाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम और इन सारी चीज़ें से जोड़ के देखते हैं जैसे मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, तो इन सब पर भी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी फरवरी 2022 में ही इसकी एक झलक मिली थी जब एक हल्की तूफान, बहुत कम पावर की इंटेंसिटी की तूफान सूरज से निकलकर हमारे एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ी और जो एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है उसके 40 सैटेलाइट्स इससे खराब हो गए, उस पर असर दिखा। तो एक हल्की तूफान जब इतनी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है तो बड़े तूफान की तो बात ही कुछ और है। और
जिन लोगों के जीवन में चीज़ें नहीं हो रही थी, 2012 के बाद जो लोग मुसीबत में थे, 2012 के बाद जिन लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता आया, 2012 के बाद जिन लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही थी, हो सकता है उनका दिन 2024 के बाद से बदलना शुरू होने लगेगा और उनके जीवन में सफलता, तरक्की, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलने लगेगा। हाँ, इसके लिए ये एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली कैसी है। कुंडली में खासकर सूरज का क्या पोजीशन है, उसकी क्या डिग्री है। सूरज हालांकि 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ सूरज को ही मानते हैं, और कुंडली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट सबके जीवन में आएगा। और इसकी शुरुआत, चूँकि 2024 को ये तूफान आना है, तो अभी से धीरे धीरे दिखने लगेंगी। जो देश, जो स्टेट, जो लोग मार्जिनलाइज्ड थे, जिन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, चाहे हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, कोई नई शक्ति उभर कर सामने आए, चाहे कोई महामारी की बात करें, चाहे इस तरह के कुछ, अभी चाइना में जैसे BF7 नया वेरिएंट्स मिल गया है कोरोना का, इसका कुछ इम्पैक्ट गहरा जाए, कहते हैं कि धरती के 10% लोगों को ये ख़त्म करने की इसमें क्षमता है, इम्पैक्टेड हो सकते हैं अगले 3 महीने में। करीब 60% चीन की जो नागरिक हैं वो इससे इम्पैक्टेड हो सकते हैं। इसका असर दुनिया भर में हो सकता है। भारत में भी 4 मरीज मिले हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील, हर जगह नए वेरिएंट्स के मरीज मिल रहे हैं, और इसका कोई भी विकराल रूप हो सकता है देखने को मिले। तो इसका भी कहीं ना कहीं संबंध सूरज के ये उठने वाले तूफान, जो जिसको CME बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, तो उसका असर हो सकता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कृपया सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज यानी खगोलीय दैवीय रहस्य चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारी अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ भी शेयर करें। और किसी अहम विषय पर अगर जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें जाके, और आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी हौसला अफजाई करें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।